सबसे पहले हम पावर पॉइंट में जाके एक मोबाइल ऐड बनाने के लिए यहाँ से न्यू करेंगे, ब्लैंक प्रेजेंटेशन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, होम में जाएंगे, क्लिक करेंगे लेआउट पे, ब्लैंक कर देंगे इसको, यहाँ से क्लिक करके उसको हम यहाँ से इसके साइज़ को कम करेंगे, यहाँ से साइज़ कम ज़्यादा करने के लिए होम में जाएंगे, और होम में जाने के बाद डिज़ाइन में क्लिक करेंगे, फॉर्मेट से बराबर में ऑप्शन है कस्टम स्लाइड का, यहाँ क्लिक करने के बाद इसकी जो स्लाइड की साइज़ है वो 4 इंच बाय 7 इंच यहाँ से कर देंगे, ओके कर देंगे, इन शॉर्टकट करेंगे ये इस पर फिक्स हो जाएगा। इसके बाद करने के बाद इसके बैकग्राउंड में एक डिज़ाइन या स्ट्रक्चर लगाएंगे, क्लिक करेंगे फॉर्मेट बैकग्राउंड पे, यहाँ से क्लिक करेंगे ग्रेडियंट पर, पिक्चर पर, ये इस तरह का एक टेक्सचर आ जाएगा। अगर आपको उसमें अगर बेहतर किस्म का टेक्सचर चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके और भी अच्छे अच्छे टेक्सचर आपको मिल जाएंगे, लेकिन मेरा ख्याल ये कि वो टेक्सचर ज़्यादा अच्छा था, ये टेक्सचर भी अच्छा है, ये देखिए ये ज़्यादा बेहतर लग रहा है, तो ये टेक्सचर लगा लेंगे इसके ऊपर। और उसके ऊपर हमें ऐड बनाने के लिए सिंपली कंट्रोल एस करके पहले फाइल को सेव करेंगे, यहाँ से ब्राउज करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करके यहाँ से क्लिक करेंगे पावर पॉइंट पर, सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर, और यहाँ से हम ले जाकर इसको सेव कर देते हैं अपने एक फोल्डर के अंदर जिसका नाम है हेल्दी क्लास 05, और यहाँ से हम लिख देते हैं सिंपल मोबाइल ऐड, ठीक है, सिंपल मोबाइल ऐड, ठीक है, ओके करेंगे, यहाँ से क्लिक करके कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, और यहाँ पे जाके हमने इसको अब ऐड करना है। तो हम यहाँ सबसे पहले लिख लेते हैं कि किस तरह का ये ऐड है, तो इसमें हम ऐड कराते हैं, क्लिक करेंगे यहाँ से और यहाँ लिखते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डिजिटल ऐसे लिखे नीचे मार्केटिंग, और ये लिखने के बाद इसको सेलेक्ट ऑल करेंगे यहाँ से कंट्रोल, और उसके साथ इसको यहाँ पे क्लिक करके फॉन्ट साइज को हम यहाँ से थोड़ा सा चेंज करेंगे, ये डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स हैं हमारे पास जो हमें यहाँ पे सही मिल जाएगा फॉन्ट, तो ये ज़्यादा बहुत अच्छा लग रहा है, फॉन्ट थोड़ा बड़ा भी है, यहाँ से क्लिक करके इसका फॉन्ट को रिड्यूस करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ पे इसको उठा के सेंटर में रख दे रहे हैं, तो ये सेंटर में आ गया हमारा डिजिटल मार्केटिंग का। और इसको बिल्कुल सेंटर में करने के लिए लेआउट पे जाके यहाँ से हम क्लिक करेंगे, थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे, यहाँ है डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, तो ये डिजिटल मार्केटिंग हमने इसके अंदर लिख दिया, और फिर हमने इसको सेलेक्ट करके इंसर्ट में जाएंगे और वर्ड आर्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करके हमने मजीद लिखना है इसके अंदर, तो यहाँ क्लिक करके इसको कंट्रोल डी करके डुप्लीकेट ले लिया, और यहाँ पे हमने लिखा लर्न, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग, और इसको पकड़ के हमने इस तरह से थोड़ा सा टेढ़ा करके ऐसे करके लगा दिया, और ये हमें यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। अच्छा, उसके बाद हमने इसके अंदर जो है थोड़ा सा एडमिशन के बारे में बताना है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और इसी का एक और डुप्लीकेट लिया, तो यहाँ पे हमने लिख दिया एडमिशन ओपन एडमिशन एडमिशन नाउ 2024 कंट्रोल ई कर दिया, यहाँ पे सेलेक्ट ऑल कर दिया, फॉन्ट को यहाँ से थोड़ा सा चेंज कर दिया, और यहाँ पर हमने एक डिफरेंट किस्म के फॉन्ट्स हैं, जैसे ये फॉन्ट है या इस तरह का एडमिशन का फॉन्ट है, या फिर और देखते हैं कोई फॉन्ट अच्छा सा मिल जाता है हमें इसके अंदर, क्लिक किया यहाँ पे बोल्ड कर दिया इसका फॉन्ट को, यहाँ से क्लिक करके भी इसके साथ कर दिया हमने, क्लिक किया यहाँ से और इसको उठा के हमने यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमने लिखने के बाद कंट्रोल एस कर दिया, फिर उसके बाद आती है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और इदारे की इन्फॉर्मेशन, तो वो हम लिखेंगे भी नीचे, तो कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, इंसर्ट में जाएंगे, क्लिक करेंगे और इसी का एक डुप्लीकेट ले लेते हैं कंट्रोल डी करके, और यहाँ से हमने इसको कंट्रोल ए कर लिया, तो यहाँ पे हमने ले लिया कॉन्टेक्ट, और यहाँ पे 0304 8343930 सेलेक्ट किया, और यहाँ ले जाके इसको हमने फॉन्ट साइज को कम कर दिया, फॉन्ट को थोड़ा सा और इम्प्रोवाइज करने के लिए यहाँ पे जो फॉन्ट अच्छा रहेगा इसके ऊपर ये ले लेते हैं, उसको क्लिक करके उठा के हमने यहाँ पे रख दिया ऊपर की तरफ, इसका फॉन्ट साइज फिर से कम कर दिया, और यहाँ से क्लिक करके हमने इसको उठा के यहाँ थोड़ा राइट साइड पे, ठीक है, कॉन्टेक्ट थोड़ा सा बड़ा लिखा हुआ है, सेलेक्ट करके इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया, और नंबर की इन्फॉर्मेशन को थोड़ा सा हमने यहाँ पे बढ़ा दिया ताकि ये थोड़ा सा ऐसे नजर आए, और कॉन्टेक्ट को हमने थोड़ा सा छोटा कर दिया, ये कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन हमारी इसके ऊपर आ गई, एडमिशन लर्न डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ आ गया,
आप चलते हैं इसके नीचे, कुछ शेप्स वगैरह हमें ऐड करना है तो उसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ से डिफरेंट किस्म के शेप्स हैं जो आप चाहें ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, जैसे कि एक छोटा सा ऐड हम यहाँ पे एरो ऐड कर देते हैं और इसको दिखा रहे हैं कि भाई ये स्किल आपने यहाँ पे सीखी। और उसके बाद हमने जो है नीचे अपना नाम लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसका ही एक डुप्लीकेट लिया, यहाँ पे डुप्लीकेट करके यहाँ पे लिख दिया सर शुदली लिख देते हैं हम यहाँ पे नाम अपना, और यहाँ पे क्लिक करके ओके ये फॉन्ट साइज थोड़ा सा कम कर लिया और इसको उठा के हमने नाम को इस साइड पे इस तरह से लिख दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से लिखा हुआ आ गया, रशद अली भी लिख दिया हमने यहाँ पे, नाम भी आ गया और इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके हमने इस तरह से लिख दिया। और नीचे हमने इदारे का नाम लिखना है तो यहाँ से क्लिक किया और फिर इसी का एक डुप्लीकेट ले लिया हमने क्लिक करके यहाँ से, ठीक है। डुप्लीकेट करके हमने यहाँ पे यहाँ रख लिया और यहाँ पर रख के कंट्रोल ए किया और यहाँ पर हमने लिख दिया न्यू वाल हुसैनी। और नीचे हमने से कॉलेज ऑफ कंप्यूटर सी एस एंड IT ये लिख लेते हैं और एंड को थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से तो यहाँ पे हम क्लिक करके कंट्रोल ए कर लेंगे, फिर यहाँ से क्लिक करके हम इसको बोल्ड कर देंगे और यहाँ पे हम रखेंगे इसको उठा के ये इस साइड पर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे इदारे का नाम भी आ गया, ये चीज़ यहाँ पर आ गई। अब रह गया नीचे के कॉन्टेक्ट भी आ गया ऊपर, और तो यहाँ पर हमने इस तरह से दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओके, इस तरह से ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो लर्न डिजिटल मार्केटिंग एडमिशन नाउ 2024, कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गया, ये भी आ गया। अब रह गया एड्रेस, तो अगर एड्रेस शो करना है मतलब अगर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन नहीं काम कर रहे हैं तो फिर एड्रेस इस पर देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल है कि एड्रेस अभी हम इस पर नहीं डालते, तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें आ गई। एडमिशन ऑफ लर्न डिजिटल मार्केटिंग मार्केटिंग भी सेट आ गया, बिल्कुल सेट है। अब आते हैं थोड़ा सा इसके ऊपर काम कर लेते हैं कि हम यहाँ से क्लिक करेंगे और इस पर फॉन्ट साइज का कलर कौन सा लगाना है इसके ऊपर, यहाँ पे क्लिक करके ये फॉन्ट का कलर लगाएंगे उसके ऊपर। उसको थोड़ा सा आउटलाइन देने के लिए यहाँ पे चले जाएंगे और यहाँ से आउटलाइन देके यहाँ से इसको थोड़ा सा थिक करेंगे आउटलाइन को, ठीक है ना। अब आउटलाइन ज़्यादा थिक करेंगे तो फिर नज़र नहीं आएगा फॉन्ट, तो फॉन्ट थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। यहाँ से बोल्ड तो ऑलरेडी है, शेड भी दिया हुआ है इसके ऊपर, और यहाँ से क्लिक करके हम चेंज करके देखते हैं कि वो फॉन्ट ये वाला फॉन्ट सही लग रहा है, ठीक है। लेकिन नज़र नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा पतला हो गया है, अब तो फॉन्ट थोड़ा पतला लग रहा है। तो हम एरियल ब्लैक लेके देखें इसकी जगह पे, और ये कर दिया हमने इस तरह से, इसमें गैप ज़्यादा दे दिया शायद, इसको थोड़ा नॉर्मल करते हैं। कुछ इम्प्रोवाइज तो हुआ है लेकिन अभी भी थोड़ा सा ऐसा नज़र आ रहा है। अब इसको यहाँ पे क्लिक करके इंसर्ट में जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करके इसके ऊपर एक शेप बना लेंगे, इसको राइट बटन दबा देंगे, पेन को बैक कर देंगे, तो ये स्पेशल नज़र आ रहा है। इस पर क्लिक करके शार्ट के ऊपर हम यहाँ से क्लिक करेंगे, कोई ग्रेडियंट लग देंगे इसके ऊपर। ग्रेडियंट देने के बाद इसके ऊपर जो टेक्स्ट है उसको क्लिक करके सेलेक्ट कर लेंगे और उसको यहाँ से क्लिक करके वाइट कर देंगे या सिल्वर कर देंगे, ग्रे कर देंगे। ये देखें इस तरह से नज़र आने लग जाए, क्लिक करके इसके ऊपर थोड़ा सा शेड देना है। क्लिक करके यहाँ से जाएंगे शेडोज पर और शेड पर सबके शेड से यहाँ पे जो दिए जा सकते हैं, यहाँ पे इस तरह का शेड इसके ऊपर लगा देंगे। क्लिक करेंगे इसके ऊपर आउटलाइन को ख़त्म करने के लिए, नो आउटलाइन कर देंगे। तो ये देखिए इसके ऊपर इस तरह से असर अंदाज होगा। उसके बाद यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग के लिए जो हमने ये वाला एरो रखा है उसके अंदर जो शेप हमें इसके पीछे लगाना है, तो लगाना है तो ठीक है डिजिटल मार्केटिंग वाले के पीछे, वरना इसी को भी हम थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाने पर क्लिक किया यहाँ पे। अब डिजिटल मार्केटिंग के लिए हमने यहाँ पर जो है इसके ऊपर शेड पर टेक्स्ट पर पहले शेडो दे देना है, तो ये टेक्स्ट पर शेडो आ गया जिससे थोड़ा इम्प्रोवाइज हो गया। क्लिक करके यहाँ से थोड़ा येलो कलर का शेड लगाते हैं इसके ऊपर, ग्रीन तो मज़ा नहीं कर रहा, ब्लू थोड़ा सा ये ज़्यादा उठ रहा है या ये ज़्यादा उठ रहा है, उठ तो वो रहा है। तो फिर इसके ऊपर ग्लो कर देते हैं, यहाँ से ग्लो करके ग्लो कर देते हैं इस कलर का। तो ये देखिए इस तरह से ये इसके ऊपर नज़र आ जाएगा दूर से। और अगर ग्लो करते वक्त भी आपको ये ख्याल रखना है कि अगर ग्लो इस कलर का नहीं कर पा रहे हो तो उसके ऊपर वाइट कलर का ग्लो भी किया जा सकता है। मोर ग्लो पर चले जाएँ ग्लो, और यहाँ से क्लिक कर दें मोर ग्लो ऑप्शन, और यहाँ से वाइट कलर का ग्लो लगा दें इसके नीचे। तो ये देखिए कुछ बेहतर हो सकता है अगर इस तरह से दूर से नज़र आ रहा है। उसके बाद हमें यहाँ पे इस एरिया को कवर करना है कि इस एरिया के साथ क्या करना है, तो इस पर क्लिक करके जैसे ये एडमिशन नाउ का ज़रा क्लियर हो गया, डिजिटल मार्केटिंग लिखा हुआ रहा है, लर्न इस तरह से लिखा हुआ रहा है, लर्न को क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे रेड स्क्रीन का शेप, चलो अगर रेड लगा ही दिया तो उसके ऊपर ये वाइट कलर का इस तरह लगा सकते हैं।
और उसके बाद इस पर क्लिक करके यहाँ से इसके भी बॉक्स के ऊपर राइट बटन दबा के सेंड टू बैक कर देंगे। और इसके बाद इस पर क्लिक करके इसका ही एक ड्रॉप शेडो लगा देते हैं इसके ऊपर, क्लिक करेंगे यहाँ से ड्रॉप शेडो पे और शेडो एक यहाँ से इसके ऊपर दे देंगे इस तरह का। इसके बॉक्स के ऊपर भी अगर कोई कलर देना बनता है आपके हवाले से तो फिर अगर आप इसको येलो कलर दे दें तो भी अच्छा ही लगेगा इसके ऊपर। और उसको भी अगर यहाँ से क्लिक करके ड्रॉप शेडो लगा देंगे तो ये देखिए इस तरह का ड्रॉप शेडो उसके ऊपर लग जाएगा और ये इसके ऊपर ऐसा लिखा हुआ नज़र आ रहा है लर्न डिजिटल मार्केटिंग और ये कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है। अब कॉन्टैक्ट नंबर वाला भी हिस्सा इतना ज़रा शो नहीं हो रहा है तो इसको चलो हम इस पर क्लिक करके यहाँ से हम इसके शेप पर जाके क्लिक करते हैं। यहाँ से इसको वाइट कलर का एक बैकग्राउंड लगा देते हैं और इसके ऊपर भी ये इस तरह से शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो नंबर भी हाईलाइट हो गया। अब देखिए नीचे वाली इन्फॉर्मेशन के लिए तो इसके ऊपर भी एक अच्छा सा शेप लगा दें, यहाँ पे स्क्वायर शेप लगा दें इसके बैकग्राउंड के ऊपर, तो यहाँ से ले लें इस तरीके से। और ये शेप लगाने के बाद इस पर यहाँ पे क्लिक कर लें। अब देखें वो दोनों तीनों कलर्स तो आपने लगाई नहीं है, उसके पीछे कौन सा लगाएंगे तो डिसाइड कर लें इसके ऊपर कौन सा कलर लगाना है। इसके ऊपर अगर हम सपोज टू बी मोर कलर्स पे जाके और ये वाला कलर लगाते हैं, ये अच्छा लग रहा है, इसके आउटलाइंस को ख़त्म कर देते हैं या फिर आउटलाइन कर देते हैं। टेक्स्ट पे फिर कलर यही अच्छा लगेगा इसके साथ क्योंकि इसके साथ यही मैच कर रहा है। और यहाँ से ड्रॉप शेडो में जाके यहाँ से इसको भी शेडो देंगे तो ये देखिए एक छोटा सा ऐड बन गया। अब जो लर्न वाला सेगमेंट था वो थोड़ा सा दब गया है तो यहाँ पर इसको कंट्रोल ए करके और थोड़ा सा छोटा करते हैं फॉन्ट को इस तरीके से और इस पर राइट बटन दबा के इसी पार्ट को फ्रंट टू रिंग फ्रंट कर देंगे तो ये देखिए थोड़ा सा अलग से भी निकल के आ गया और एक शेप भी बन गया। और ये वाला जो एरो है इसको हम यहाँ पे इसी तरह से रहने देते हैं तो ये देखिए इस तरह से हमने इसके ऊपर ऐड बना लिया। ठीक है, तो अब इसको आपने देनी है एनिमेशंस। एनिमेशंस बताया मैंने आपको, अच्छा इस पर नहीं सीखा तो एनिमेशन हम इसको कैसे देंगे तो सिंपल से एनिमेशंस के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ से हम डिफरेंट किस्म के एनिमेशंस इसके ऊपर लगा सकते हैं। सेव कर लेते हैं।